फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मोटर टॉय शो। तो कैसे आप सब लोग, आज हम बात करने वाले हैं निसान मैग्नाइट के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। तो वीडियो में ले जाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आप अपनी पुरानी गाड़ी को सेल आउट करना चाहते हैं लेकिन आपको मार्केट में अच्छा प्राइस नहीं मिल पा रहा है या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है पेपर वर्क करने का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा फॉर्म फिलआउट करना है और Cars24 जो आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन कराएगा। कुछ मिनटों के अंदर ही काफ़ी सारे सेलर से हो के आपको अपनी गाड़ी का जो है बेस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो आप आज ही अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कितना सिंपल है ना यार, घर बैठे ही आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन हो जाएगी, घर बैठे ही सारा पेपर वर्क हो जाएगा और कोई पेमेंट का झंझट नहीं है। और सबसे अच्छी बात, आपको अपनी गाड़ी का मार्केट से बेस्ट प्राइस मिलेगा। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हो तो आज इस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं निसान मैग्नाइट के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। आप सबको बताएंगे इस गाड़ी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, और मेरे साथ इस गाड़ी के जो ओनर है वो आपसे शेयर करेंगे इस गाड़ी की एक्चुअल डिटेल्स और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अवर चैनल। तो सर, ये मैग्नाइट का कौन सा वेरिएंट है और आपको कितने का ऑन रोड पड़ा? ये है XL वेरिएंट है सर। ओके, बेस से ऊपर वाला सेकंड वेरिएंट। ओके, ये ऑन रोड अपने को पड़ गया जी 690 का। 690 का? हाँ जी, 690,000 का। ठीक है, कंपनी से एक्सेसरीज वगैरह सब कुछ इंक्लूड। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राइसेस है ये हरियाणा के है, तो हरियाणा के अकॉर्डिंग जो सिरसा, हम सिरसा हरियाणा में है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग ये प्राइसेस है ऑन रोड प्राइसेस। तो सर, जब आप ये गाड़ी खरीदने वाले थे, जब आपने ये गाड़ी बुक कराई, तो आपने और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ ट्राई करी होंगी? हाँ, और देखी भी थी सर गाड़ियाँ पहले। देखी होंगी? हाँ, पहले ब्रदर के ब्लेनो है सर। हाँ, पर मारुति में थोड़ा बिल्ड क्वालिटी का उस टाइम वो था सर। हाँ, और उसके बाद में सर टाटा की अल्ट्रोज देखी थी सर, वो थोड़ी सी मतलब गाड़ी डाउन ज़्यादा है नीचे। ओके, हाँ, तो जैसे मिनी SUV टाइप में ये गाड़ी अच्छी लगी। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो टेस्ट ड्राइव कौन कौन सी गाड़ी के साथ आपने किया था, और किसी गाड़ी के साथ किया था टेस्ट ड्राइव? हाँ, टेस्ट ड्राइव वो कहते ना, टाटा अल्ट्रोज है, ब्लेनो की देखी ओके थी, ओके, और सोनेट किया की सोनेट आ रही है सर, वो थोड़ा सा बजट मतलब हो जाता है उसके अंदर। गाड़ी वो भी ओके, अच्छी थी पर वो जैसे बजट के हिसाब से वो काफ़ी कॉस्टली सर, ठीक बजट है के सर। अकॉर्डिंग ये गाड़ी अच्छी लगी सर। और यहाँ बात करें हम डिज़ाइन की, हाँ जी, काफ़ी गाड़ियों का आपने डिज़ाइन भी देखा होगा, तो आपको कौन सी गाड़ी का डिज़ाइन सच में जो डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे से अच्छा लग मतलब रहा था? डिज़ाइन सर, ये इसकी ये मतलब प्लस पॉइंट ये लगा कि डिज़ाइन बिल्कुल एक हटके लुक दिया है। ओके, बाकी जैसे मतलब मारुति और ये लगभग ना एक जैसी सी है, मिली जुली सी, ओके ओके, बिल्कुल मतलब इंटीरियर भी बिल्कुल अलग से है, कुछ अलग देखने को मिले गाड़ी में। और ओके, फ्रंट लुक जैसे आपने देखे थे वो बिल्कुल अलग है इसके। तो ओवरऑल आपको डिज़ाइन और प्राइस और ओवरऑल जो हाँ, कम्बिनेशन बिल्ड है वो क्वालिटी। काफ़ी हाँ अच्छा जी, लगा इस गाड़ी हाँ के। जी, अच्छा है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दूं कि यार, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी चैनल उतना बड़ा नहीं है, तो इस वीडियो में हम एक छोटा सा गिव अवे रख रहे हैं। कुछ विनर्स को हम 1100 का कैश प्राइस देने वाले हैं। जो भी विनर प्रेफर करेगा गूगल पे पेटीएम, वो हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। आपको पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना है, और इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में मैग्नाइट के बारे में या फिर हमारे चैनल के बारे में एक छोटी सी फीडबैक देनी है। कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे ही वीडियो के 1.5 लाख व्यूज़ क्रॉस हो जाएंगे, हम रिजल्ट जो है वो डिस्क्लोज कर देंगे। तो सर, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, आपको इस गाड़ी को चलाते हुए कभी ऐसा लगा कि झटके जो है वो ज़्यादा महसूस होता है, नहीं शोकर सर, उतने अच्छे नहीं है बिल्कुल कि? कंफर्टेबल है। ओके, अभी हम लॉन्ग ड्राइव जाके थे राजस्थान में, मतलब पूरे अच्छी तरह से चेकअप किया, कोई दिक्कत नहीं है सर। 5 बंदे गए थे हम, बिल्कुल कंफर्टेबल गए थे सर। ओके, हाँ जी, कोई तो पिकअप वगैरह का कोई मतलब जैसे कई गाड़ियाँ होती हैं अभी खड्डे वगैरह में ज़्यादा शोकर काम ना करते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर हमें को। ओके, हाँ जी, तो आप बता ही रहे कि आप लॉन्ग ड्राइव पे गए हाँ थे जी, और फुली लोडेड गाड़ी थी, हाँ तो जी, हाँ जी, ओवरटेकिंग करते हुए कभी ऐसा तो नहीं लगा कि जैसे ये टर्बो इंजन नहीं है तो नहीं आपको नहीं सर, पावर उतनी अच्छे से ना मिल रही नहीं हो, सर, बिल्कुल पिकअप अच्छी ना पूरा मिल रही अच्छा हो? पिकअप है ये, नॉन टर्बो है। और मुझे भी पहले डाउट हो रहा था कि टर्बो नॉन टर्बो में ज़्यादा मतलब, भी टेस्ट ड्राइव उन्होंने टर्बो के लिए थी, बट उन्होंने जैसे सेल्समैन ने हमको ये कहा था भी 19-20 का फ़र्क रहेगा, और वो ही है जेन्युइन, भी ओके, 19-20 का ही फ़र्क है। जैसे हम टर्बो के टेस्ट ड्राइव ले रहे थे और नॉन टर्बो में कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं तो है। आप काफ़ी संतुष्ट है गाड़ी हाँ चला जी, के? आप ओके पूरे सेटिस्फाई हैं जी गाड़ी से? जी, हाँ जी, तो जिन लोगों को भाई कंफ्यूजन है इस चीज़ को लेके कि यार पिकअप अच्छी नहीं है गाड़ी की, और जैसे कि इस गाड़ी का प्राइस भी काफ़ी कम है, तो लोगों के मन में डाउट आता है कि नहीं कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग की हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी की पावर और पिकअप जैसे बता रहे हैं इन्होंने, गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पर चलाई है तो हाँ जी, काफ़ी अच्छी बता रहे हैं ये।
और सर आपको माइलेज क्या मिल रही है इस गाड़ी से? माइलेज सर अभी स्टार्टिंग ही है, तो एवरेज आ रही सर 14-15 की माइलेज मिली है। ओके। वो जैसे एजेंसीज वालों ने ये बोला था कि जैसे एक सर्विस हो जाएगी, फर्स्ट सर्विस 1500-2000 किलोमीटर के बाद, तो गाड़ी मतलब एवरेज देगी अच्छी, 19-20 की बता रहे हैं, और दे देगी गाड़ी मतलब। तो जब आपने ये चलाई है गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पे, हाँ तो जी, आपने स्पीड क्या मेंटेन रखी थी? स्पीड यही सर 100 के समथिंग। 100 के आसपास। हाँ जी, 90-100, 90-100। तो जैसे कि आपने 90-100 स्पीड रखी है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 80 की स्पीड मेंटेन रखते हैं, 2000 के आसपास आरपीएम रखते हैं नीचे, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो हाँ कंपनी माइलेज बताती है माइलेज, उसके आसपास माइलेज दे देती है गाड़ी, तो ये भी आप ट्राई करेगा। हाँ नहीं, ये जरूर ट्राई करेंगे। हाँ जी। आपको इस गाड़ी का ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट कैसा लगा? आपको ऐसा लगा कि आप जैसे लॉन्ग ड्राइव की बात कर रहे हैं कि आपको लगा हो कि थकावट हो रही है नहीं गाड़ी नहीं में? सर, ऐसे कुछ नहीं है। अब मान लो छोटी गाड़ियों में, जैसे इस बजट में मान लो गाड़ियाँ पर लेते हैं मारुति की या कोई और भी छोटी गाड़ियाँ, तो उसमें वो चीज़ महसूस होती है कि यार एक अपन छोटी गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन यहाँ अपन जो बैठे हैं ना, पूरी फीलिंग आ रही है, बढ़िया गाड़ी में कुछ पैसे लगाए हैं चीज़ के ऊपर। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हाँ भी हाँ। मतलब जैसे बड़ी गाड़ी हो ना, पूरी ऐसे कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आगे जैसे पूरा स्पेस है, और पीछे बंदे के हैं यहाँ भी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई, अब जैसे मारुति गाड़ियों में ये बीच में जो ये होता है बोनट टाइप से दिया होता है, तो जो बीच का बंदा होता है ना, उसको बहुत दिक्कत होती है। हाँ। इसमें तीनों बंदे आराम से बैठ सकते हैं सर पीछे। हाँ तो अभी आप 5 लोग गए थे, तो पीछे 3 लोग बैठे थे, हाँ जी, पीछे तो तीन लोग। किसी को, तीनों अडल्ट बैठे हाँ हाँ होंगे बिल्कुल, 18 प्लस, एकदम। तो किसी हाँ को जी, कोई दिक्कत नहीं आई नहीं, होंगी। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। तो ओवरऑल इस गाड़ी का जो सीटिंग कंफर्ट है और रियर स्पेस है वो काफ़ी अच्छा बता रहे हैं, हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और सर ड्राइव करते हुए गाड़ी आपको कभी ऐसा लगा कि जो स्मूथनेस है उतनी ज़्यादा नहीं है, या गियर अड़ते नहीं हैं, नहीं ऐसा सर, कुछ लगा नहीं हो, सर या बिल्कुल, मतलब वाइब्रेशन लगी हो नहीं किसी नहीं के? सर, हैंडल भी पूरा मतलब सेट रहता है, जैसे गाड़ी डोलती नहीं है, मतलब 100 से ऊपर भी चला के चेक की है कई बार गाड़ी, बैलेंस वगैरह और ब्रेकिंग वगैरह बिल्कुल कंट्रोल है गाड़ी में। ओके। हाँ जी, और बाकी बात करें, जब आप हाईवे पे चला रहे होते हैं गाड़ी, या लोकल मेनली हाँ जी, हाईवे पे, हाँ जी, तो आपको कोई, जैसे 100 की स्पीड पे भी आपने चलाई, तो आपको लगा कि हवा की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, नहीं विंड नॉइस एकदम बिल्कुल साइलेंट गाड़ी है सर, एकदम साइलेंट है? साइलेंट गाड़ी है, मतलब जो अपना म्यूजिक सिस्टम उसी हाँ की हाँ आवाज़ रहती है, और नीचे से रोड की नॉइस आती है कोई ज़्यादा, टायरों कोई की नॉइस जैसे ज़्यादा छोटी नहीं गाड़ियों सर, में आती है? हल्की फुल्की महसूस होती, कोई ज़्यादा नहीं। उनके गाड़ियों के तो बहुत मतलब अंतर है सर, हाँ। छोटी गाड़ियों में तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। हाँ इसमें वो चीज़ नहीं है तो जी। मतलब पूरी जम के चलती है गाड़ी हाँ पूरी जम हाई के। स्पीड हाँ में? बाकी और म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा है सर, लाइटिंग वगैरह भी रात के टाइम में जैसे चलाई थी। हाँ जी, सर ये बताइए कि आपको इस गाड़ी में सबसे अच्छी पॉजिटिव जो क्या चीज़ लगी, ऐसा कि हाँ मज़ा आ गया गाड़ी लेके? ओवरऑल मतलब ये सर यही है ना कि जैसे एक तो सर इसकी मतलब मिनी एसयूवी टाइप है, ऊंची है सर गाड़ी। ठीक है ठीक है हाँ और पिकअप वगैरह में भी सही है, और स्पेस बहुत मतलब है सर, ठीक है ठीक है। वैल्यू फॉर मनी मतलब बजट के हिसाब से प्रॉपर मतलब चीज़ है सर। ठीक है। म्यूजिक सिस्टम कैसा लगा इस गाड़ी का? म्यूजिक सिस्टम जबरदस्त है जी। जबरदस्त है। हाँ जी, इसके ठीक है। अंदर 4 स्पीकर हैं, 2 ट्यूटर हैं आगे, कंपनी फिटेड है, बढ़िया सिस्टम है। और कोई कमी लगी आपको गाड़ी में, कि आपको लगता हो नहीं कि निसान को ये कमी दूर करनी चाहिए थी? सर, अभी तक आपने चलाई है, अभी तक जो अपना एक्सपीरियंस, उसमें कोई कमी नहीं है जी, ठीक है ऑल ओवर बढ़िया है जी, आप फुल सेटिस्फाई हैं गाड़ी से। ठीक है ठीक है। हाँ जी, और ओवरऑल बूट स्पेस वगैरह सब बढ़िया हाँ जी, लगा? हाँ जी, अच्छा है जी। ठीक है। तो दोस्तों ये था निसान मैगनाइट का एक ओवरऑल ओनर एक्सपीरियंस। और सर मेरे नेबर ही हैं, तो जल्दी ही आपको इस गाड़ी का एक्सपीरियंस मैं बताता रहूँगा कि अगर कोई कभी दिक्कत आई है, या बाद में फर्स्ट सर्विस के बाद में क्या माइलेज मिल रही है, कोई भी किसी तरह का भी जो एक्सपीरियंस है इनसे मैं लेता रहूँगा, और आप सबसे हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे जब भी मौका मिला। तो दोस्तों अगर आप निसान की कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आप हरियाणा सिरसा, तो आपको डीलर का कॉन्टैक्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको मेंशन करना होगा कि आपने मोटर टॉर्शन के थ्रू कॉल किया, और आपको जो है जल्दी डिलीवरी देने का कोशिश की जाएगी। तो थैंक यू सर। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।